तालीम को हमेशा से ही मशअल राह कहा जाता है और पाकिस्तान में ये मशअल एक ज़माने तक इब्ने आदम के हाथों में रही, जिसकी एक वजह ये थी कि लड़कियां महज घर की जीनत बनी रहती थीं और ख्वातीन में शरह ख्वानदगी का तनासब इंतहाई कम रहता था। लेकिन आज की 21वीं सदी में तरक्की का कोई ऐसा समंदर नहीं जो बिनते हवा ने अबूर न किया हो, और इस बात का अमली नमूना आगा खान बोर्ड के इम्तिहानी नतज में देखने को मिला, जब लड़कियों ने मुल्क भर में टॉप पोजीशंस हासिल करके लड़कों की विकटे उड़ा दी। ये हैं अलीना फातिमा, जिन्होंने मुल्की सतह पर पहली पोजीशन हासिल करके अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मेरे फादर सामने बैठे हुए थे, उनको मैंने बताया कि पापा मेरी फर्स्ट पोजीशन आई ऑल ओवर पाकिस्तान, तो वो भी बहुत बहुत खुश हुए। सबसे पहले तो रब का शुक्रिया कि जिसने इतनी बड़ी नेमत दी, और फिर दूसरे ये कि वाकई अलीना फातिमा ने हमें बहुत प्राउड किया। रोहिना नदीम, जिसने अपनी अनथक मेहनत से 93% नंबर हासिल करके ये जता दिया कि लड़कियों को अब किसी सूरत हल्का ना समझा जाए। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल सी थी कि मतलब उस वक्त मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि मतलब मेरी पोजीशन आ गई, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन हासिल की है मैंने। जाहिर है जब बेटी को इतनी बड़ी कामयाबी मिले तो बाप का सीना फख्र से फूल जाता है। रोहिना के वालिद के भी कुछ ऐसे ही तासुरात थे। बहुत खुशी हुई इस बात की कि मेरे बेटे ने सेकंड पोजीशन ली, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। लड़कियों की ये कामयाबी अब कोई नई बात नहीं रही, और कामयाब लड़कियों ने ये बात साबित कर दी है कि लगन सच्ची हो तो मंजिल आसान हो जाती है। एक दौर था जब तरक्की के मैदानों में लड़के सबसे आगे होते थे, और ये समझा जाता था कि लड़कियां बहुत पीछे हैं, लेकिन मुल्की सतह पर तीनों टॉप पोजीशंस हासिल करके लड़कियों ने ये साबित कर दिया कि हम भी किसी से